नमस्कार आरडीटीवी समस्त दर्शक के स्वागत जानिए आमी आविष्कार दे चौधरी निये एसेछि आजकेर एई प्रतिबेदन। गतकाल शुक्रवार काछार जिलार काठीगड़ा समष्टिर अंतर्गत बिहार दीननाथपुर चा बागिचा अंचले मामनी महिला बाजारेर द्वार उद्घाटन करलें काछारेर जिला शासक कीर्ति जली। এই মর্মে এক বিবৃতিতে তিনি জানান যে মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান যে এত তো অঞ্চলে উৎপাদিত সব ধরনের শাকসবজি অতি সহজেই পৌঁছে যাবে এই বাজারের মাধ্যমে এবং জেলার প্রথম মহিলা বাজারের সম্মান পেয়েছে এই মামনি বাজার। এই বিশেষ দিন উপলক্ষে মহিলা SHG গ্রুপের সদস্যবৃন্দ নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা উপযুক্ত কীর্তি জলি, DDC রাজীব রায়, কার্তিক তাঁতি, রণেন্দু চক্রবর্তী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। অবশেষে আমাদের প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য লগ ইন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব আর ফেসবুক চ্যানেল RDTV 24x7। ধন্যবাদ। कैसा लग रहा है और इन फ्यूचर क्या क्या होने वाला है? ये हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो पैसा मिलता है, मतलब यहाँ पे जो माइनिंग होता है उसी के रॉयल्टी के ऊपर हमने ये एक मार्केट शेड बनाया है सिर्फ महिलाओं के लिए। मामोनी मार्केट शेड बोल रहे हैं इसको। मामोनी जो माँ होती है, जो प्यार से हम बोलते हैं, उनका नीटनेस अलग होता है। उनका ये फिश में हमेशा बोलते हैं वेट कम मिला है, ज़्यादा मिला है, ये सब वो नहीं करते हैं। वो दिल बड़ा है उनका। उन्हीं के लिए, नारी शक्ति के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए आज हमने ये मामूनी मार्केट शेड खोला है। ये फंड DMFC के अंदर 10 लाख का प्रोजेक्ट में तेजस दास जी ने उनका माटी डोनेट किया है। एंड इस एरिया में बहुत अंदर जाके मार्केट बैठता था एंड उनको अभी एक फॉर्मल जगह मिल गई है। महिला ऑलरेडी आज इतना सेल किए हैं, हैंडलूम कपड़े, क्राफ्ट्स कपड़े, सब्जियां, मांस, जो भी बहुत चीज़ें सेल किया है। तो इसका परिवार को तरक्की होती है एक जब महिला आगे बढ़ती है एंड उसी से राष्ट्र का और देश का आगे बढ़ना होता है। और कौन कौन जगह मतलब ऐसा मार्केट खोलने का? सुनाई और धुलाई में काम ऑलरेडी चालू है। बाकी जगहों में भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे ले इसको। एंड इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि फेयरनेस एक रहेगी एंड जेंडर एम्पावरमेंट जो बोलते हैं, जब एक माँ आगे बढ़ती है, जब वो पैसा संभालना शुरू करती है तो पूरा परिवार का सेविंग्स चालू करती है। तो वही सेविंग्स से वो बच्चों को पढ़ाती है और परिवार को आगे करती है। तो इसको हमको आगे लेना है, इसी की वजह से ये हमने शुरू। मैडम, ये सब माल कहाँ से आता है? ये उनका लोकल, ये जंगल से वो खुद से जो उगाते हैं वो सब कलेक्ट करके जनरली लोकल में ही सेल हो जाता था एंड उनको असली मार्केट प्राइस भी नहीं मिलता था। बट क्योंकि ये एक डेडिकेटेड मार्केट सेंटर है, सभी लोग यहीं आके सेल कर सकते हैं। कोई बोल रहा था कि वो जो पान का जो पत्ता मिलता है, बहुत मिलता है जंगल में, और पहले वही बिक्री हो जाता था कम दाम में, बट वो आज यहाँ बड़ा स्केल में होलसेल में भी सेल कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं बिहारा मार्केट को। थैंक यू मैडम। सिलचर जयंती सड़क का जो हाल इतना खराब है, इसको पूरा कुछ बोलेंगे? इसका भी हम डेवलपमेंट शॉर्टली लेंगे। हर रोज कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर पूरा कोविड से लड़ाई चल रहा था, अभी भी कोविड चालू है। नंबर्स अभी भी 100 केसेस हर रोज आ रहे हैं, तो अभी भी हमको प्रिकॉशन लेना होगा। जैसे जैसे ये महामारी के अगेंस्ट हम जीतेंगे, वैसे वैसे ही उन्नति के और भी प्रोजेक्ट्स लेंगे। मैडम, आसाम माला के अंतर्गत इस रोड में काज होने का बात था, तो ये क्या कब तक ये शुरू होगा इस विषय में? अभी भी आप देखेंगे असेंबली और बजट भी चल रहा है, तो ये फाइनेंशियल ईयर अभी जैसे ही चालू होगा ऑटोमेटिकली ये काम भी इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। कोविड लॉकडाउन की वजह से लेबर का भी शॉर्टेज था, बाकी जिलों से जो लेबर आता था वो भी आना बंद कर दिए थे। बहुत जल्दी काम शुरू होगा, ये बारिश का सीजन भी है, ये एंड होते ही कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज बहुत पिकअप। मैडम, दूसरा क्वेश्चन है, जो एमबी गेट इधर बैठा हुआ है ना, जी जी, अभी ये बैठा हुआ है तो बंद करने के लिए जी, अभी तो ओवरलोड चल रहा है, कल दो कोयला की गाड़ी, सारी गाड़ी में नहीं, ये सब गाड़ी तो पकड़ता है,
पता रहता है, ऐसा सब गाड़ी को पता नहीं है कि कोयला है कि नहीं है, तो उतना तो चेक करना पड़ेगा इनिशियली। ओवरलोड फाइन करता है किस लिए? तो वही, ये हमारे कॉल तो अभी तो अभी नहीं आ रहा है ना कॉल। हाँ, तो पत्थर पत्थर वगैरह अभी तो ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोड तो हो रहा है, एक्स्ट्रा पैसा लेके छोड़ दिया है, बाद में पब्लिक ने पकड़ा है। अच्छा, नहीं ये हम जारी इंक्वायरी करेंगे इसको क्या हुआ एक्चुअली, मामला क्या है इसमें एंड किन्होंने पकड़ा है, किस टाइम पे पकड़ा है, इसके ऊपर अगर अगेंस्ट द लॉ है सख्त एक्शन हम जरूर लेंगे। जो लोग छोड़ा है मैडम पैसा लेके, वो लोग का वो हम देखेंगे जरूर क्या हुआ है कैसा हुआ है। थैंक यू।